हेलो दोस्तों दोस्तों सीखो सिखाओ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट की ट्रिक्स के बारे में, जिसके द्वारा हम आसानी से एग्ज़ाम के अंदर मात्र 3-4 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चंस को कर देंगे, एसआई के क्वेश्चन को कर देंगे। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया, इफ़ ₹10,000 इज गिवन टू गीता एट रेट 3% पर एनम फॉर 2 ईयर, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। मतलब गीता को ₹10,000 दिए जाते हैं 3% पर एनम की रेट से 2 साल के लिए, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो दोस्तों करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें इन्होंने दिया है कि जो प्रिंसिपल है, जो रुपए दिए हैं गीता, वो कितने हैं 10,000, और रेट जो आपकी है वो है 3% पर एनम। कितने साल के लिए दिया है? 2 साल के लिए। तो आपको जो भी मूलधन या फिर प्रिंसिपल दिया गया है उसको आप लिखें, यहाँ 10,000 दिया गया है, और उसका जो रेट दिया गया है उसको फ्रैक्शन में बना ले। 3% कितना फ्रैक्शन बनेगा? 3% होगा 3/100। तो फ्रैक्शन के लिए बनाए अब क्या करेंगे, 3/100 को इससे 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ मिलेगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 100 की 3 से मल्टीप्लाई हुई 300 आ गया, 300। ये क्या है, ये 10,000 पे 1 साल के लिए जो ब्याज लगा वो है। तो क्योंकि उन्होंने टाइम 2 साल दिया, तो 2 साल के लिए क्या होगा, सेम यही चीज़ रिपीट हो जाएगी और यहाँ भी आपका 300 आ जाएगा। तो इससे क्या है, एसआई जो आपका आ गया 2 साल के लिए, 300 + 300, सिंपल इंटरेस्ट आपका 300 जमा 300, ये आ गया 600। दोस्तों आपको जब एग्ज़ाम में आप बैठे हो तो आपको एज इट इज़ ये सारा लिखने की भी जरूरत नहीं, आप ओरली करें, मुँह जबानी करें कि 10,000 है, 10,000 का रेट को फ्रैक्शन में बनाएंगे। सबसे पहले आप रेट को फ्रैक्शन में बना लो, को जो भी आपको रेट दी गई है, 5 दिया है, 3 दिया है, उसको 100 से डिवाइड करो और उसको फ्रैक्शन बनाओ, जो भी फ्रैक्शन आ जाए आपकी, उसके बाद आपको जो प्रिंसिपल गिवन है उसका उस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद निकाल लीजिए। तो जो आपका आएगा 1 साल के लिए आएगा, तो क्योंकि आपको जितना भी टाइम दिया है, हाँ 2 साल दिए गए हैं, तो आप नहीं सेम चीज़ रिपीट कर दिए, या भी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको जो एक आया है उसको ही आप, जितना टाइम दिया गया है, 2 है तो उसको डबल कर दे, 3 है तो 3 से गुणा कर दे, 4 है तो 4 से गुणा कर दे, आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है, इफ राम गेव 1200 रुपीज टू मोहन एट 9% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, जो मैंने आपको पहले स्टेप में बताया वही करना है। इसमें आपको क्या गिवन है, इसमें आपको गिवन है कि राम ने मोहन को रुपीस दिए हैं, कितने रुपए दिए हैं, 1200 रुपये दिए हैं, तो 1200 रुपये लिख लिया। रेट आपको कितने दी है, रेट दी है 9% पर एनम। रेट आप जरूर देखें दोस्तों कि रेट पर एनम लग रही है, फिर पर सेमी एनुअली लग रहा है, हर साल इंटरेस्ट लग रहा है या फिर हर 6 महीने में लग रहा है, तो इस चीज़ के पीछे, जो रेट के पीछे जो चीज़ लिखी है उसको बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर एनम हर साल का, तो इसमें कोई हमें चेंज नहीं करना है। तो टाइम जो दिया गया है वो आपका 3 साल दिया गया है। अब दोस्तों जैसे कि तरीका मैंने आपको बताया था, सिंपल तरीका है बिल्कुल, अब वो क्या करना है, जो भी आपको प्रिंसिपल दिया है, जैसे 1200 रुपये हैं, उसका आप रेट को फ्रैक्शन में करने के बाद क्या आएगा, जैसे सबसे पहले आपने रेट को 9% पर रहना है, इसको फ्रैक्शन में आगे क्या आएगा, 9/100 आएगा। तो यहाँ 9/100 आप लिखिए, 9/100 करने के बाद क्या आप करना, आपको 1200 से इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 1200 से इसकी मल्टीप्लाई करनी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 12 9 जा 108। तो दोस्तों ये जो 108 आया है, ये पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट है, 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट है। सेम यही चीज़ दूसरे साल के लिए आ जाएगी, सेम यही चीज़ तीसरे साल के लिए आ जाएगी। तो दोस्तों आपका जो टोटल टोटल सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा, 108 को आप 3 गुणा कर दीजिए, 108 108 108, 108 में 108 जुड़े 216, 216 में 108 जुड़े 324। और दोस्तों ये भी आप एडिशन करने का सिंपल तरीका, आप क्या है, ये 3 बार 100 आ गए तो 300 हो गया, 3 बार 8 आ गए, 8 24 हो गया, तो टोटल आपका 324। क्योंकि दोस्तों आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम में। तो ये दोस्तों ये जो सिंपल तरीका है, ये आप सोच रहे होगे कि ये चीज़ तो हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, SI = PRT/100, जो बेसिक फॉर्मूला होता है जो हमने हर क्लास में किया था, इसमें ट्रिक क्या है। तो दोस्तों ट्रिक इसमें ये है, ये आपको SI में तो हो सकता है लगभग लगभग, क्योंकि SI का फॉर्मूला सिंपल है तो इसमें आपको ज़्यादा पता ना लगे, लेकिन ये इसी मेथड से अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत ही आसान बन जाएंगे, क्योंकि
क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला तो बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, सी आई इज इक्वल टू पी 1 + R/100 की पावर टी -1, ये जो फॉर्मूला होता है बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है। तो इस चीज़ से हम बेस बना रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में हम इसके मेथड को करना सीख जाए। तो दोस्तों देखा आपने कि इस तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन और लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया फ्रेंड्स, इफ ए सम ऑफ ₹15,000 इज गिवन टू सीता फॉर 3 ईयर्स एट 2% पर एनम रेट, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि सीता को ₹15,000 दिए गए हैं 3 साल के लिए, 2% पर एनम की रेट लग रही है, दर लग रही है, हमें सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालनी है। तो दोस्तों सिंपल है, सबसे पहले आपको जो प्रिंसिपल कितना था ₹15,000, रेट कितनी है, रेट आपकी है 2% पर एनम, तो 2% का फ्रैक्शन निकाला, तो दो ने इसको काटा 1/, अब काटो मत इसको क्योंकि नीचे 100 है तो 2 जीरो डायरेक्ट कटेगी, इसलिए इसको आप काटो मत। तो रेट आपका है, टाइम कितना है, टाइम दे रखा आपका 3 साल, 3 ईयर्स, तो आप क्या है 1500 है, 1500 है, 1500 का 2/100 कर लीजिए, कहने का मतलब 2% कर लीजिए, 1500 का 1500 का 1% क्या होगा, ₹150, और 2% क्या हो जाएगा, ₹300, ₹300 कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो 300 का आप 3 से गुणा कर दो, ₹900 आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, साधारण ब्याज क्या आ गई ₹900। और दोस्तों आपको अमाउंट निकालनी है, तो आपको पता है कि जो अमाउंट मतलब जो हमें बड़ी हुई मात्रा मिलेगी पैसे की, तो आपने प्रिंसिपल कितना दिया था 15,000, ब्याज आपका कितना आ गया 300, टोटल आपका कितना हो गया ये 15,300। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल सीखो सिखाओ सीखो सिखाओ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी वीडियो आपके लिए डालता रहूँगा जो आपको एग्ज़ाम में मदद करेगी, मैं एजुकेशनल वीडियो डालूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, इस ट्रिक में कोई डाउट रहता है, आपको किससे अच्छी कोई ट्रिक पता है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें, क्योंकि दोस्तों चैनल का नाम है सीखो सिखाओ, यहाँ कुछ चीज़ मैं आपसे सीखूंगा और कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, तो ओवरऑल हमें नॉलेज स्प्रेड करनी है। तो दोस्तों देखते हैं इन तीनों चीज़ का हम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं एक बार, सिंपल जो मेथड है इसको मैं एक बार रिविजन दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या है, आपको जो भी प्रिंसिपल दिया हो आप उसे नोट कर लें। प्रिंसिपल मान लो आपको एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, मान लो आपको ₹2300 प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखी है 4% पर एनम, टाइम आपको दे रखा 5 साल, और हमें बोला कि हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपको प्रिंसिपल दिया है, जो आपको प्रिंसिपल दिया है उसका आप 4% निकाल लें डायरेक्ट, 4% निकालोगे आपको पता है इसका 10% कितना होगा, 10% होगा 230, 1 जीरो आप हटाओगे 2300 में से 10% होगा 230, और 1% कितना होगा 23, 23 को आप 4 से गुणा कर दो, 23 दूनी 56, 56 का दुगुना 112, 112 इसका 4% आ गया। ये दोस्तों 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट आया, 1 साल के जो हमें ब्याज मिलेगा वो आया है, लेकिन हमें कितने साल के लिए चाहिए, 5 साल के लिए, तो आप सिंपल है 112 का 5 से गुणा कर दीजिए। और दोस्तों आपको 5 से गुणा करने के बीच में आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक सिंपल होती है, आप क्या करें जो भी आपको नंबर दिया गया उसमें से एक 2 निकाल लें, क्योंकि 5 उस 2 निकालने के बाद जैसे 112 है, 112 में से 2 निकालो क्या आएगा 56 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ 2 आ गया। अब आप इस 2 की इससे मल्टीप्लाई कर 10 आ कर दें, तो आपका ये 56 × 10 आ गया, तो आपको इसमें क्या गुणा करने भी नहीं पड़ी, आपको 100 ट्रिक से ही पता लग गया कि कितना आएगा, और पेपर में इतना करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको क्या है आप ओरली करेंगे सारी चीज़ें, तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी नंबर है मान लो 112 है, जैसे 112 का सिंपल हाफ करें और उसके पीछे एक जीरो लगाए, 112 का हाफ और 56, 56 के पीछे हमने जीरो लगा दी, ऐसे ही दोस्तों देखते हैं, अगर मान लो आपको 24 की मल्टीप्लाई करनी 5 से, ओरली मल्टीप्लाई करें तो 24 का आधा करो 12, 12 के पीछे जीरो लगा दो,
तो ये दोस्तों एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है जो आपको पेपर में काफी टाइम बचाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझ आया होगा। एक दो मैं छोटी छोटी ट्रिक्स बता रहा हूँ, वो भी आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी सभी मदद करेंगी। एक मैं आपको एक और पाँच को इसको क्लियर करने के लिए आपको एक बड़ा नंबर लेकर बताता हूँ। मान लो आपको 2048 की 5 से गुणा करिए, दोस्तों आपको पता है 5 से मल्टीप्लाई आप कर दोगे फटाफट, 5 या 40, 520, जो भी आप नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको ओरली मल्टीप्लाई करना है, कि यहाँ 2048 है उसकी 5 से गुणा करनी है। तो आप क्या करो, 2048 का हाफ कर दो, 1024, और उसके पीछे जीरो लगा दो। तो आपने देखा कि दोस्तों कितने आसान तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसमें मैंने सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट पर जोर दिया है। आगे वाले वीडियो में मैं आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लाऊंगा, जो आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। थैंक्स दोस्तों।